हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आप सब सैलेड देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं सैंडविच की रेसिपी क्रिएट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीरा, प्याज और टमाटर को कुछ इस तरह से कट कर लिया है और आज हम बनाएंगे गेहूँ के आटे की सैंडविच। तो गेहूँ के आटे की सैंडविच कैसे बनेगी उसके लिए भी मैं आप सबको भी बता देती हूँ। पहले मैंने जो जो तैयारी कर रखी है उसको मैं आप सबको इंग्रेडिएंट को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने भुजिया नमकीन ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है धनिया की पत्ती, इनको भी फाइन चॉप कर लिया है और इनको अच्छे से धुल लिया है। और ये देखिए हमारी सैंडविच बनेगी इन पूड़ियों से। मैंने पूड़ियाँ पहले ही बना के तैयार कर ली है और इनको ठंडा कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग पूड़ी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दो सैंडविच के लिए हमको 4 पूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सॉस लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट ले लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए झटपट से 5 से 7 मिनट में आपकी सैंडविच बन के तैयार हो जाएगी। आप सब भी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की रेसिपी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहे और हमारे चैनल को एक लाइक जरूर करें। कुकिंग से रिलेटेड अगर टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सबके पास कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी के ऊपर लगा लिया है बटर। बटर के बाद मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर, जिससे हमारी पूरियाँ खाने में फीकी ना लगे। अब इसके ऊपर अरेंज कर देंगे हम सारे सैलेड जो मैंने पहले से ही कट करके रख लिए थे। अब इनके ऊपर भी हमको डाल देना है ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर, जिससे हमारे सैलेड फीके ना लगे। और फिर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें टोमेटो सॉस अप्लाई कर लें। अगर आपको टोमेटो सॉस खाना कम पसंद हो या फिर ज़्यादा पसंद हो तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे भुजिया नमकीन लिया है, इससे इनका फ्लेवर और भी अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा तीखा नहीं हमारे सैंडविच को बना देता है। अगर आपको तीखापन ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप इस पर पिज्ज़ा पास्ता सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप इनको टोमेटो सॉस में मिक्स कर लें। अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है धनिया की पत्ती अच्छे से और दूसरी पूड़ी के ऊपर भी मैंने बटर लगा के इनको कवर कर दिया है। तो ये देखिए हमारी सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। तो आइए अभी सैंडविच को हमको पकाना भी है। इनको पकाने के प्रोसेस में हमको क्या करना है, पहले हमको ले लेना है एक ग्रिल पैन। मैंने इस टाइप का मेरे पास जो ग्रिल पैन है मैंने इस पर इनको फ्राई किया है या सेका है। पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे बटर, जिससे हमारा पैन बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए। तो जब तक हमारा ये पैन गर्म हो रहा है तब तक आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताना ना भूलें कि हमारी आज की ये पूरी वाली सैंडविच कैसी लगी। आज हमने गेहूं के आटे से बनी हुई सैंडविच की रेसिपी आप सबके सामने क्रिएट करके बताई है। तो आप सब अपने बच्चों को भी इनको टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए मैंने सैंडविच को इसके ऊपर रख दिया है और इनको हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं ये मैंने पहले भी बता दिया था, ये बेसिक है, आप सबको ही पता होगा पूड़ियों को कैसे हम बनाते हैं, गेहूं के आटे को किस तरह से गूंथा जाता है। तो अगर आप सबको नहीं पता है ये टिप्स और ट्रिक्स तो आप हमारे चैनल पर जाके देख लें, आप सबको ये सारे बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको दोनों साइड से अच्छे से फ्लिप करते हुए कुरकुरा करने तक पका दिया है। तो जब ये अच्छे से पक जाएंगे या फिर क्रिस्पी हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, तो इनको आप प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सैंडविच बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो आइए इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप सबको टोमेटो सॉस ना पसंद हो, आप इनको स्किप करना चाहते हो, तो आप इनकी जगह हरा चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। हरा चटनी की रेसिपी मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप सब जाके वहाँ से देख लें। ये देखिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे भुजिया नमकीन, जिसे खाने में और भी कुरकुरी और क्रिस्पी लगती है और टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, बस इनको सर्व कर दिए है। और ये देखिए हमारी सैंडविच बन के तैयार हो गई है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो चलिए इनको टेस्ट करनी, आप सब भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप सबको मेरी ये हेल्दी सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।